जय जगन्नाथ। मु संतोष सार स्वागत करुच्छी मोर यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त पाठक मान निकट जनाऊँ आज नवम श्रेणी पिला जो राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस विषय वस्तु अच्छी तार प्रथम पाठ मौलिक अधिकार सरी जाइला आज आरंभ करुच्ची द्वितीय पाठ मौलिक कर्तव्य जहाँ कहा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज। यही नुआ नुआ वीडियो देखिया जो माने सब्सक्राइब करना तुरंत सब्सक्राइब कर दियो एवं तले थिया बेल आइकन को क्लिक कर दियो। आज पढ़ेबा द्वितीय पाठ मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। जेमती आम पढ़ी फंडामेंटल राइट्स तार अपोजिट हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा थिला मौलिक अधिकार एटा हूँ मौलिक कर्तव्य। आज आम पढ़ा ये अधिकार आउ कर्तव्य किभली भाव परस्पर परिपूरक प्रकृत रे अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक अटे ये परस्पर जड़ित बिना कर्तव्य संपादन अधिकार उपलब्ध होगा संभव नुई जोटी कर्तव्य आम करूने से अधिकार पाइबा संभवपर नुई। जेमती आम सरकार आमको बहुत अधिकार दे मौलिक अधिकार यही सुविधा अनुसार आम सबू स्थान को जापे सबू कार्य सुविधार करे से वंचित हेले न्यायालय द्वारस्थ हो पारे से सबू हूँ आमर अधिकार किंतु ता परिवर्ते जेहेतु आम सब अधिकार पाच ता परिवर्ते आमर किसी कर्तव्य रही आम देशपी आम राष्ट्रपाई संविधान नियम अनुजाई आम कि मौलिक कर्तव्य करवा जहाँ कह जाए फंडामेंटल ड्यूटीज। आउ यह प्रकृत अधिकार सहित जड़ित एवं अधिकार और कर्तव्य परिपूरक अटे। देखिबा व्यक्तिर विकास पाई और तार व्यक्तित्वर परिप्रकाश पाई राष्ट्र जेउं भली अधिकार व्यक्ति को प्रदान करी थाए प्रतिबदल से राष्ट्र निजर सुपरिचालना निम्ते व्यक्ति किसी मौलिक कर्तव्य आशा करमती व्यक्ति को मौलिक अधिकार देमती कि आशा रखी मौलिक कर्तव्य व्यक्ति पाइब तेणु कधिकार और कर्तव्य हूँ गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी गोटे कॉइनर लेफ्ट आ गोटे सॉरी हेड आ गोटे टेल जमी दुईटी पार्श्व थाए गोटे कॉइनर से अधिकार और कर्तव्य हूँ गोटे कॉइनर दुईटी पार्श्व भरी यार अर्थ ये परस्पर जड़ित बहुत परिपूरक अटंती तेणु अधिकार और कर्तव्य गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी अधिकार और कर्तव्य मध्य सुसमन्वय रक्षा ही एक आदर्श गणतांत्रिक राष्ट्र गठन में साहय करें तेणु अधिकार और कर्तव्य किभली भाव परस्पर परिपूरक आम जाणीदे तापर आग को बढ़िया देची भारतर संविधान रे मौलिक कर्तव्य एक अभिनव व्यवस्था किभली भारत संविधान रे मौलिक कर्तव्य एक अभिनव व्यवस्था कौ व्यवस्था सब करा जाइची मौलिक कर्तव्य पाई गोटे व्यवस्था जे मूल संविधान रे मौलिक अधिकार संपर्कित व्यवस्था थिबा बेले मौलिक कर्तव्य विषय रे कोनोसी सूचना प्रदान करा जाई नथिला केवल मौलिक अधिकार नुहे संविधान रे पूर्वरु मध्ये कोनोसी सूचना नथिला मौलिक कर्तव्य पई या पछरे इनक्लूड करा जाई पछरे या को जोड़ी दिया जाई। प्रथम थर पई संविधान रे किछि संस्कार आणीबा उद्देश्य रे 1976 मसीह रे प्रथमरु संविधान रे मौलिक कर्तव्य विषय रे किछि उल्लेख नथिला 1976 मसीह फेब्रुवारी मास रे स्वर्ण सिंह कमिटी गठन करा गला गोटे कमिटी टी गठन कराइला जो कमिटर नाम रही स्वर्ण सिंह कमिटी 1976 मसीह ये कमिटी कौन पर आसला ना संस्कार आणवा लगे सुपारिश प्रदान करथिला जो संविधान नियम अनुजाई मौलिक अधिकार थिला मात्र कर्तव्य विषय रे किसी सूचना नथिला संविधान नियमावली रे किसी संस्कार आणवाई 1976 मसीह स्वर्ण सिंह कमिटी गठन होता वेरी वेरी इंपोर्टेंट केबे को मसिया रे स्वर्ण सिंह कमिटी गठन होता 1976 मसिया फेब्रुवारी मास रे या गठन होता उक्त कमिटी आवश्यक संस्कार आणवा लगे अनेक क्षेत्र में सुपारिश प्रदान करथिला तत्सहित तो एक कमिट सुपारिश करथिला जे संविधान नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य गुड़िकर एक तालिका अंतर्भुक्त होगा आवश्यक से ही स्वर्ण सिंह कमिटी सुपारिश करथिला मौलिक कर्तव्य निहाती रूपे रहिबा दरकार नागरिक माने मौलिक कर्तव्य को
पालन करिबा उचित बोली से अंतर्भुक्त करिथला एहार आवश्यक निहाती अछि बोली ही एही कमिटी जणैथला। तेणु 1976 मसिया रे 42तम संविधान संशोधन मन रख 1978 रे आमे पढ़ीथले 44तम संविधान संशोधन आईन अनुसार संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार तालिका रु बाद दिया जायथला पढ़ीथले कहीं ना सेटा 78 रे थला 44 दुई वर्ष कमीगला 1976 मसिया संशोधन भी कमीगला सेटा थिला 44 ये हला 42 1976 जो संशोधन होईची सी 42 1978 मसिया रे जो संशोधन होईथला ता होची 44 तेणु 1976 मसिया 42तम संशोधन आईन द्वारा संविधान रे मौलिक कर्तव्य गुड़िक जोग करागला कौ संशोधन आईन बलरे जदि क्वेश्चन किछ आसे ना 1976 मसिहार 42तम संशोधन आईन द्वारा संविधान रे मौलिक कर्तव्य जोग कर दियागला जहाँ कहुए फंडामेंटल ड्यूटीज यह भारत संविधान क्यों भाग उल्लेख करागला चतुर्थ भाग क कहीं तृतीय भाग में मौलिक अधिकार वर्णित होती चतुर्थ भाग में राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली जोग कर चतुर्थ क रे पछरे इटा को जोग कर दियागला तेणु चतुर्थ क जेहेतु पछरे जोग करागला तेणु चतुर्थ क रे एहा इनक्लूड हैला। धारा केते धारा सेमती 51 क कहीं मौलिक अधिकार धारा 12-35 मध्य वर्णित होती राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली धारा 36-51 से 51 परे परे 51 क रे जोग कर दियागला 10 गोटी मौलिक कर्तव्य केते गोटी मौलिक कर्तव्य ना 10 गोटी मौलिक कर्तव्य 1976 मसीहार 42तम संविधान संशोधन आईन अनुसार जोग कर दियागला एमती 10टी मौलिक कर्तव्य जोग करा परे एहाकू नागरिक माने मानिबा परे परे 2002 मसीहार टिके परिवर्तन करागला 2002 मसीहार 2002 र 86तम संविधान संशोधन आईन बलरे आउ गोटे जोग कर दियागला जोटी 10 गोटी मौलिक कर्तव्य थिला सेटी आउ गोटे जोग करिकी 11 गोटी मौलिक कर्तव्य जोग कर दियागला। संविधान प्रदत्त यही मौलिक कर्तव्य गुड़िक नागरिक मानकर आईनगत राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक अर्थनैतिक और शिक्षागत दायित्वबोध को बुझाए संविधान रे जो 11 गोटी मौलिक कर्तव्य इनक्लूड कर दियागला ताहा केउ दायित्वबोध को बुझाए आईनगत राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक अर्थनैतिक और शिक्षागत दायित्वबोध को ही बुझाई थाए ताले जानी हला। नेक्स्ट पढ़िया मौलिक कर्तव्यर मुख्य लक्षण जदि 11 गोटी मौलिक कर्तव्य को इनक्लूड कर दियागला प्रत्येक नागरिक मानी ताल यही मौलिक कर्तव्यर लक्षण कौन सब जाणी रखा 1 नंबर लक्षण होउची मौलिक कर्तव्य गुड़िक राष्ट्रपाई निर्देशित नुहे बरम नागरिक मानक निर्देशित यही मौलिक कर्तव्य राष्ट्रपाई निर्देश नुह जेहेतु निर्देश दबा निर्देशित यह केवल नागरिक मानक निर्देशित प्रत्येक नागरिक को निर्देश दि जाए जे यहाँ मानवापी मौलिक कर्तव्य को मानि चलने तेणु प्रथम पॉइंट होची मौलिक कर्तव्य राष्ट्रपाई निर्देशित नुहे बरम नागरिक मानक यह निर्देशित अटे। 2 नंबर लक्षण कौन ना विदेशी नागरिक मानक यह लागू हो पार ना यह केवल भारतीय नागरिक मानक उद्दिष्ट यही जो 11 गोटी कर्तव्य रही केवल भारतीय नागरिक ही से कर्तव्य को पालन करेंगे किंतु विदेशी नागरिक किसी कर्तव्य बाध्यतामूलक नुहे कि नुहे टोटाल से लागू ना 3 नंबर लक्षण कौन कौनसी भारतीय नागरिक यही मौलिक कर्तव्य संपादन नक विरोध में कौन से आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करमती आम मौलिक अधिकार जदि आम पाने मौलिक अधिकार कहीं जड़े वंचित कर ता आईन सम्मत अटे बा आईन द्वारा से दंडित हेब जो लोक वंचित करने को बाध्य किंतु मौलिक कर्तव्य जड़े ठीक भाव संपादन न ताकू आईन अनुजाई दंड दिजना तेणु आईनगत कार्यानुष्ठान किसी ग्रहण करा संविधान नियम।
तापर देखी दवा भारतीय नागरिक मानकर ए 11 गोटी मौलिक कर्तव्य कौन जो 11 गोटी नागरिक माने पाइबे मौलिक कर्तव्य से कर्तव्य 11 टी कौन चलंतु जानि नवा। एक नंबर मौलिक कर्तव्य होची संविधान को मानि चलिबा एवं यार आदर्श और अनुष्ठान मानकु एवं जातीय पतका और जातीय संगीत को सम्मान प्रदर्शन करिबा। जातीय पतका को आमे सम्मान दवा सालुट दवा जदि कहीं जड़े सालुट दौनी बा सम्मान दौनी तापाई सेमती कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवनी किंतु एटा होची आमर कर्तव्य जड़े जो कर्तव्य पालन करूनी कौनसी व्यक्ति तार जहाँ निहाती कर्तव्य ता परिवार पई हो किमा देश पई हो जहाँ कर्तव्य से सम्पादन न कला सेति पई कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवनी एथरु तार सचोटता बा तार गुण को लक्ष्य करा जाए जाओ जातीय पतका हो कि जातीय संगीत ताको आमे सम्मान दवा जातीय पतका को ठीक भाव उड़ाइबा तार संगीत जेती समय जातीय संगीत गान करा जाए सेती समय संगीत गान करा जीवो आउ से समय रे आमे ठीक भाव सम्मान दे कि संगीत गान करिबा उचित ये हला प्रथम कर्तव्य। द्वितीय कर्तव्य होउची जेउ सब महनीय आदर्श आम जातीय स्वाधीनता संग्राम को अनुप्राणित करितला केते गुड़ी महनीय आदर्श बहुत किछ आदर्श गांधीजींकर आदर्श अहिंसा उपाय रे आमे असहयोग आंदोलन करथिलु किबा अहिंसा उपाय रे आमे कार्य करथिलु से सबु आदर्श को आमे अनुप्राणित करिबा बा ताकु स्मरण करिबा स्मरण ओ अनुसरण करिबा होची द्वितीय मौलिक कर्तव्य सब पुराणा स्मृति को आमे स्मरण करिबा। तीन नंबर कौन भारतर सार्वभौम एकता और संगति को बजाय रखिबा एवं ताकु सुरक्षित दबा आमर संगति एकता भाव सार्वभौमता जिते सब भारत रही आम ठीक भाव सुरक्षित दबा को चेष्टा करिया। चारि नंबर होची देशर प्रतिरक्षा करिबा और आवश्यक स्थल जातीय सेवा प्रदान करिबा देशर प्रतिरक्षा करिबा जदि कौनसी बाह्य शत्रु देश को आक्रमण करिबा को चाहुछन्ति तुम्हें माने तार प्रतिरक्षा करि परिबो आवश्यक स्थल जदि निहाती दरकार हुए ताले जातीय सेवा मध्य प्रदान करि परिबो सेवा जोगेइबो। पांच नंबर धर्मगत भाषागत एवं आंचलिक किंबा गोष्ठीगत विभिन्नता को अतिक्रम करी भारतर जनसाधारण मध्य ऐक्य और भातृभाव प्रतिष्ठा करिबा ऐक्य और भातृभाव माने एक आम समस्ते एक आम हेउचु भाई भाई एई मनरे धारणा आणिके आगुकु जिबा पड़िबो धर्म भाषा जाति ए गोष्ठी ए सबुकु पछरे पकि आमे सबु एक बोली एवं भाई भाई बोली मने करिबा एवं सेई भातृभाव प्रतिष्ठा करिबा ओ नारी जातिर मर्यादाहीन सूचक व्यवहार सब परित्याग करिबा जो नारी मानक सहित नारी मानकु अश्लील भाषा रे कमेंट करा जाउची ए सबुकु दूर करिबा थिला गोटे आमर कर्तव्य सेमानकु सम्मान दबा होची आमर कर्तव्य। तापर आसला छ नंबर कर्तव्य टी कौन छ नंबर कर्तव्य होची आमर संस्कृतिर मूल्यवान ऐतिह्य को सम्मान प्रदर्शन और संरक्षण करिबा जो ऐतिह्य पुरुणारु रही आसी ऐतिह्य ताकु आमे सम्मान प्रदर्शन करिया सबु ऐतिह्य और संस्कृति को आमे सम्मान दबा और तार संरक्षण करिया ये संरक्षण न करि परिबा ताले पुणी आमर से ऐतिह्य आम हाथ चली तेणु से सबुक आम संरक्षण करने को चेष्टा करतापुर आसीगला सात नंबर अरण्य ह्रद नदी वन्यप्राणी समेत प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा उन्नति करिबा एवं जीवजगत प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिबा जिते जीवजगत अच्छा तक आम अनुकंपा प्रदर्शन करिबा ह्रद नदी वन्यप्राणी प्राकृतिक परिवेश सबकिर सुरक्षा करिया प्राकृतिक विपर्जय अनेक किसी क्षति होमें ताकू माने सुरक्षा दबा और ताकू पुणी बजाय रखा चेष्टा करिबा। नेक्स्ट आठ नंबर वैज्ञानिक मनोभाव मानववाद एवं अनुसंधिष्ठा और संस्कार मनोभाव पोषण करिबा मन भितर से संस्कार मनोभाव पोषण हुए ताले आम देश को आगे नहीं पारिया तेणु यह एक कर्तव्य आठ नंबर कर्तव्य थिला। नौ नंबर होची सर्वसाधारण संपत्तिर सुरक्षा करिबा ओ हिंसा भाव परित्याग करिबा सर्वसाधारण संपत्ति जोदा को आमे सरकार संपत्ति बोली कहचे से ही हूँ सर्वसाधारण संपत्ति रास्ता हो कौनसी चित्त विनोदन केन्द्र हो कि जेकोसी सरकारी
जिनस ताकु आमे सदाबेळे तार जत्न नवा आउ ताकु सुरक्षा देवा सी होउछि सरकारर संपत्ति बा सर्वसाधारणक संपत्ति गोटे जंगल हो अरण्य सी भी सर्वसाधारणकर ताकु सुरक्षा देवा ना कि आमे हाणिकी नेसा नष्ट करिया हिंसा भाव परित्याग करिया यदि आम भितर हिंसा भाव रहिबो ताले आम देश पछेइबो आमे माने मध्य आगुकु उन्नत करि परियानी तेणु हिंसा भाव को परित्याग करिया पई आमर मौलिक कर्तव्य 9 नंबर कुआ जाइछि। 10 नंबर व्यक्तिगत और समष्टिगत कार्यावली प्रत्येक क्षेत्र उत्कर्ष साधन करिबा जहाद्वारा आम देश प्रचेष्टा और कृतित्व उच्चतर सोपान को अविरत उन्नत करिपरिबा ये हूँ व्यक्तिगत और समष्टिगत कार्यावली आम जब व्यक्तिगत भाव में हूँ कि समष्टिगत एकाठी कौन सी कार्यावली प्रत्येक क्षेत्र आम आगे उत्कर्ष साधन करिया ताद्वारा आम देश प्रचेष्टा और कृतित्व उच्चतर सोपान को अविरत उन्नत कर आमर कला प्रतिभा आम देख पारा जहाद्वारा कि आम देश को आगे बारे आम सहयोग करतापर लास्ट हूँ 11 नंबर 11 नंबर दे कौन ना माता पिता बा अभिभावक तांकर 6 वर्ष रु 14 वर्ष बयस मध्य संतान बा पालित शिक्षा लाभ सुजोग जोगाई देवे 11 नंबरटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहीं ना यहाँ सब सर्वशेष 2002 मसीह माता पिता बा अभिभावक तांकर 6 वर्ष रु 14 वर्ष बयस मध्य संतान किंबा क्या पालन करिछन्ति पालित से सबको शिक्षा लाभ सुजोग देवे समस्त को पाठ पढ़ाई सुजोग मिल। नेक्स्ट ये गला 11 गोटी मौलिक कर्तव्य जानवा जो मौलिक कर्तव्य गुड़िक रही 11 गोटी यार प्रकार भेद ये केते प्रकार मौलिक कर्तव्यटा भाग भाग कर दिखाई केते प्रकार 11टी मौलिक कर्तव्य सत किंतु केते प्रकार हम 5 प्रकार मौलिक कर्तव्य हूँ 5 प्रकार कौन से गुरा ना 1 रही आईनगत कर्तव्य जहाँ कह जाए लीगल ड्यूटी 2 रही राजनैतिक कर्तव्य 1 आईनगत कर्तव्य लीगल ड्यूटी 2 रही राजनैतिक कर्तव्य जहाँ कह जाए पॉलिटिकल ड्यूटी 3 आसला सामाजिक ड्यूटी बा कर्तव्य सोशल ड्यूटी आईनगत कर्तव्य राजनैतिक कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य और अर्थनैतिक कर्तव्य जहाँ को इंग्राजी कह जाए लीगल ड्यूटी पॉलिटिकल ड्यूटी सोशल ड्यूटी मोरल ड्यूटी एंड इकोनॉमिक ड्यूटी। प्रथम देखिबा आईनगत कर्तव्य जोटा को लीगल ड्यूटी कह जाए यह कौन यह संविधान सम्मान रक्षा करिबा संविधान सम्मान को रक्षा करिया संविधान नियम को मानि चलिले ता संविधान सम्मान रक्षा हबो तेणु ये सब ड्यूटी होची लीगल ड्यूटी। देन राजनैतिक कर्तव्य पॉलिटिकल ड्यूटी राजनैतिक कर्तव्य कौन यह होची भारतर सार्वभौम रक्षा करिबा जातीय संगति को बजाय रखिया और देशर सुरक्षा करिबा ये राजनैतिक कर्तव्य जाउची देशर को सुरक्षा करिबा तार संगति को बजाय रखिबा जोटा आम पढ़ी मौलिक कर्तव्य भितर से कर्तव्यटा राजनैतिक कर्तव्य जाउची तापर सामाजिक कर्तव्य किए गला यह नागरिक मानक मध्यरे सद्भाव और भातृभाव प्रतिष्ठा करिया सबु नागरिक मध्यरे भाई भाई बोली मानि चलिबा एकत्रित होई रहिबा महिला मानकर मर्यादा रक्षा करिया ए सबु सोशल ड्यूटी बा सामाजिक कर्तव्य रे जाउछ। 4 रे आसला नैतिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य कौन जहाँ कह जाए मोराल ड्यूटी देश को बाह्य और आभ्यंतरण विपदरु रक्षा करिबा स्वाधीनता आंदोलन महान नीति और आदर्श को अनुसरण करिया जातीय सेवारे निजक नियोजित करिबा यार लक्ष्य आमर नैतिक कर्तव्य जोटा कि मोराल बा मोरालिटी आमर मोरालिटी होउछि देश को कौन सी बाह्य शत्रु आक्रमण करमें जिते संभव यथा संभव आम तार प्रतिकार करवा अटकवाप चेष्टा कर सब हूँ मोराल ड्यूटी बा नैतिक कर्तव्य। 5 नंबर कर्तव्यटी हूँ अर्थनैतिक कर्तव्य जहाँ कह जाए इकोनोमिक ड्यूटी यही कर्तव्यटी हूँ राष्ट्रीय संपत्तिर रक्षणाबेक्षण एवं परिवेशर सुरक्षा संपर्कित जोटा हूँ अर्थनैतिक कर्तव्य बा इकोनोमिक ड्यूटी एटा हूँ 5 नंबर आमर राष्ट्र जो परिवेश अच्छी जंगल हो अरण्य हो नदी
ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତାପରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିଦେବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଏକରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ପ୍ରଥମରୁ ପଡ଼ିଛେ, ସା ଏବେ ବି ପଡ଼ୁଛେ। ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଥିବାରୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଶପ୍ରେମୀ କରାଏ। ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଦାବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅବିରତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ କରାଇବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରାଏ, ନା ଦେଶପ୍ରେମୀ କରାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାଗରିକ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ପାଇଁ ସଚେତନ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ହୁଏ, କେମିତି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ। ତିନିରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ, ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଇଡଲିଜିମ୍, ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ମାନି ଚଳିବେ, ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳମୟ ଦେଶ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆଡ଼୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସରିଯାଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, ବେଶୀ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 60 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏସବୁ ଲେଖିକି 5 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ। ଖରେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି, କାହିଁକି ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ବି ଅତି ସହଜ ସେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। 2 ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ଏକାଦଶତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଲେଖ, କାହିଁକି ଏକାଦଶତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା 2002 ଆସିଲା 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ପାଳିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି। ଉଦାହରଣ ସହିତ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟଟି ଲେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ 5 ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଦେହରୁ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଲେଖା ହେବ। ଗରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିପରି ପରିପୂରକ, ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, ସବୁ କିଛି ବହିରେ ଅଛି, ଲେଖିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ 5 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 3, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନାଗରିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଖର ଦେଇଛି ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନକଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ କି, କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିଚାଳନା ନ କରାଯାଏ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର, ଏହା ହେଉଛି 5 କେବେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଗ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ପଛରେ ହେଲା 1974 ପଛରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ପଛରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା 42 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଲା। ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆହୁରି ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆର ଭିତରୁ ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିହେବ, ବାହାର କରିପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୃତୀୟ ପାଠ, ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ।
पुणी देखा हबो। जय जगन्नाथ।